बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी से खबर मिल रही है, भोपाल में आज एक बार फिर कोरोना बम फूटा है। बड़ी संख्या में कोरोना के नए मरीज आज मिले हैं। राजधानी भोपाल में 52 कोरोना के नए मरीज मिले। भोपाल के ऐशबाग, सुदामा नगर और कोटरा सुल्तानाबाद में 12-12 लोग बताए जा रहे हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। बैरागढ़ के मछली मार्केट में भी एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और प्रोफेसर कॉलोनी में 80 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम रुक करेंगे, आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। आकर्ष, अभी तक आंकड़े इतने बड़ी संख्या में नहीं आ रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन अचानक एक बार फिर बड़ी संख्या में आंकड़े आए हैं भोपाल में, क्या है अपडेट? अनलॉक बंद जिस तरीके से लोगों को रियायतें दी गई अनलॉक बंद में, उसी का ये देखने को मिल रहा है असर कि अब राजधानी भोपाल में बीते दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज फिर 52 मामले सामने आए हैं और ऐशबाग इलाके के सुदामा नगर और कोटरा सुल्तानाबाद में 12-12 मामले मिले हैं। कहीं ना कहीं कोटरा सुल्तानाबाद में अभी तक कोरोना के मामले इतने सामने नहीं आए थे, लेकिन एक साथ ही इतने मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में ये है कि कोरोना की चेन ब्रेक करना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी दीपक, क्योंकि जिस तरीके से गतिविधियां शुरू हुई हैं, अब ऐसे में आसानी से ये पता लगा पाना कि जो मरीज है कितने लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को क्वारंटीन करना, ये प्रशासन के लिए चुनौती होगी। तब ये साफ तौर पर दीपक देखने को मिलेगा कि जिस तरीके की रियायतें मिल रही हैं आने वाले दिनों में फिर से जो है कोरोना के मामले बढ़ेंगे, और यही अभी देखने को मिल रहा है दीपक। चलिए शुक्रिया जानकारी के लिए आकर्ष।